आजमगढ़ के ग्राम सभा निजामुद्दीनपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की चौपाल बैठक 12 अगस्त 2023 को की गई थी, जिसमें ग्राम के सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। अक्टूबर माह में होने वाली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव में चौपाल लगाया जा रहा है और लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला प्रभारी सुगंध सिंह, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राजभर, महिला जिला अध्यक्ष गीतागिरी, नारायण बनवासी, हंसराज राजभर, भैरव राजभर, प्रदीप राजभर, मंजू राजभर, तारा राजभर, अनीता राजभर आदि मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आप लोगों से निवेदन है कि मार्टिनगंज में अक्टूबर माह में डेट क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। यहाँ से बस की व्यवस्था लगेगी, सभी को चलना। हम मन के बाटे भविष्य के लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़त हूँ। आज बताए आपके गाँव में प्राइमरी स्कूल बा ना, आज नेताजी कहते हुआ एक से लेके बीए तक बिना पैसा के शिक्षा लागू करे के चाहिए, तो ठीक रहे कि नहीं ठीक रहे कि आज लागत है कि हमरो लड़का प्राइवेट में पढ़े जात बाकी ना। आज आप लोगों की जो चौपाल बैठक थी कहाँ पे रखी गई थी? आज देखिए चौपाल बैठक गंभीर बन के निजामुद्दीन पूर्व ग्राम सभा में रखी गई थी। यहाँ हमने चौपाल लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की सूचना और वहाँ चलने का अनुरोध सबसे किया। आने वाले चुनाव के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं और बूथ गठन कर हम जो है इस बार पीला साफा हमारा दिल्ली पहुँचेगा। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे गठबंधन को? देखिए भारतीय जनता पार्टी में हम सम्मिलित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर हमको चुनाव लड़ना है। बाकी शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, जिस हिसाब से नेताजी का आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग। एक महिला सम्मेलन कहाँ पे होने वाली है? देखिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मार्टिनगंज के कृषक कॉलेज के मैदान में होने वाला है, तारीख जल्द आपको बता दी जाएगी। उसी के संबंध में हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को वहां चलने की अपील कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए लोगों से गुजारिश कर रहे हैं।